पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज पुण्य शुक्रवार के दिन प्रभु ईसा मसीह के कलवारी बलि को हम याद करते हैं। सारे संसार को मुक्ति देने के लिए ईसा मसीह संसार में आया और अपने को बलि अर्पित किया। प्रभु ईसा मसीह का रक्त बहाने से हमारा पाप मुक्ति हुआ। रक्त की कीमत पर हमारा पापों का प्रायश्चित कर प्रभु ने हमें ईश्वर के साथ मेल करवाया, हमें पवित्र किया, हमें शुद्ध किया। आज विशेष रूप से ईसा मसीह के उस कलवारी यात्रा को, दुख भोग को याद करने वाला दिन है। गुड फ्राइडे मानव जाति के लिए गुड अर्थात अच्छा दिन कैसे बना? क्योंकि मसीह ने अपना प्राण अर्पित कर इस संसार में अनेकों ऐसे भगवान लोग आए, नबी लोग आए, अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छी अच्छी बातें सिखा करके गए। लेकिन इस संसार को यदि किसी ने मुक्ति प्रदान किया वो केवल ईसा मसीह है। यदि किसी को मुक्ति चाहिए मसीह में विश्वास करना जरूरी है। इसलिए ईसा मसीह ने मानव जाति को जो मुक्ति देने के लिए जो कार्य किया उस कलवारी यात्रा आज हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। प्रभु ईसा मसीह को जो क्रूस उठाना पड़ा वो क्रूस हम लोगों का पाप का प्रतीक है और उन्हें जितना भी अपमान, निंदा, कष्ट, पीड़ा सब सहन करना पड़ा अपने शरीर में, ये सब हमारे पापों के कारण, हमने अपने शरीर में पाप किया इस कारण। आइए इसलिए हम अपने आंखें थोड़ा सा बंद करेंगे और याद करें अपने क्या क्या पाप, उन पापों के कारण प्रभु को कष्ट उठाना पड़ा। आज थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग प्रभु का उस कलवारी यात्रा को याद करते हैं। प्रभु ईसा मसीह को जो कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ा, अपमान सहन करना पड़ा, उसका क्या कारण है? मेरा कौन सा पाप प्रभु को ये दुख दिया, कष्ट दिया, अपमानित किया? हमें 14 स्थानों पर प्रभु ईसा मसीह का जो 1 मील का जो दूरी है यरूशलेम से, पिलातुस के उस घर से कलवारी उस पहाड़ तक, उस स्थान तक, हम लोग 14 स्थानों पर मनन चिंतन करते हैं प्रभु के साथ उस समय पर क्या हुआ। इस क्रूस के रास्ता में हम अपने को प्रभु के साथ समर्पित करेंगे, उसके क्रूस के साथ हम भी साथ में चलेंगे। आइए हम अपने अंतःकरण की जांच कर रहे, अपने गलतियों, कमजोरियों को, बलहीनताओं को स्वीकार करने के लिए हम अपने को समर्पित करें, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, प्रभु ईसा मसीह के साथ चलकर अपने पापों, अपराधों, गुनाहों को हम स्वीकार कर हमेशा के लिए त्याग सके। क्रूस की रास्ता का पहला स्थान में पिलातुस ईसा मसीह को प्राण दंड की जो सजा सुना रहा है इसके विषय में हम लोग मनन करते हैं। पहले स्थान में ईसा मसीह को प्राण दंड की सजा क्यों सुनाया? क्योंकि पिलातुस स्वयं कहा था इसमें कोई प्राण दंड के योग्य गलती नहीं है। बार बार कहा, इसके बावजूद भी पिलातुस ने उन्हें प्राण दंड की सजा भी सुनाया। क्योंकि अनेकों बार हम दूसरों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं। जैसे ईसा मसीह को क्रूस दंड सुनाने के लिए उन्होंने झूठे गवाहों को लेके आया, हम भी कई बार झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, दूसरों के दोषारोपण करते हैं। ये सब पाप आज मसीह को उठाना पड़ा। ईसा मसीह का दुख भोग वैसे गत्समनी से शुरू हुआ था। गत्समनी में शिष्य लोगों से कहा था, तुम जागते रहो, प्रार्थना करो,
लेकिन वे भाई बैठ कर कर सो रहा था। हम भी कभी ऐसे ही है, प्रार्थना के लिए हम पीछे हटते हैं, प्रार्थना के समय पर हमें नींद आते हैं, हम प्रार्थना करना नहीं चाहते, हम चर्च जाना नहीं चाहते। वो शिष्य लोग जो कार्य किया, हमने भी ऐसा किया। ईसा मसीह को उस समय पर बहुत दुख लग रहा था, इसलिए प्रभु ने उनसे कहा तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और देखो प्रभु का 12 शिष्यों में एक शिष्य यूदस वहां पर पलटन के साथ आते हैं, प्रभु को चुंबन देकर पकड़ाते हैं। हम भी कई बार दूसरों को धोखा देते हैं, चाहे धन का धोखा हो या प्यार का धोखा हो, किसी भी प्रकार का धोखा। यहां पर भी यही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, यूदस चुंबन देकर पकड़ा रहा है, प्रेम का नाटक करते हैं। कई बार हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, बाहर से दिखावा मात्र, अंदर से और कुछ स्वभाव। याद कीजिए ऐसे जो भी गलतियां पाप हम करते हैं, प्रभु ईसा मसीह को उस प्रकार सहन करना पड़ा। प्रभु ईसा मसीह के साथ भी ऐसा बर्ताव किया, क्योंकि मैंने ऐसा गलती किया, वो मसीह को वो कष्ट उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब है मैंने ही मसीह के साथ इस प्रकार गलत किया, यूदस नहीं लेकिन मैंने गलत चुंबन दिया, मैंने प्रभु को पकड़वाया। कई बार मसीह को जानते हुए अन्य लोगों के सामने हम प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, जैसे रोमियो का पत्र दिया 1:21 में लिखा है, ईश्वर को जानते हुए सामुजिद आदर और धन्यवाद नहीं देना। हम लोग ऐसा पाप करते हैं, दूसरे स्थान में जाते हैं, ईसा मसीह के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। वो क्रूस पापों का प्रतीक है। याद कीजिए कई बार हमने गलती किया लेकिन हमने दूसरों के ऊपर वो डाल दिया। परिवार में अक्सर होता है एक दूसरे के बीच में तू मैं करना। हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे गलतियों को हम दूसरों के ऊपर डालते हैं। ऐसे जो गलतियां याद कीजिए आदम से लेकर के चल रहा है। आदम से पूछा तुमने पाप किया, बोला नहीं, तुमने जिसको मेरे साथ रहने के लिए दिया उसने हेवा के ऊपर डाला। हेवा से पूछा, हेवा ने शैतान के ऊपर डाला, सांप के ऊपर डाला। वहां से लेकर के जितने भी लोग अपने गलतियों को गुनाहों को स्वीकार नहीं करता, मैंने कोई गलती ही नहीं किया, ऐसा बोल करके अनेकों लोग चलते हैं। उन तमाम गुनाहों को आज प्रभु के कंधे पर डाला। तीसरे स्थान पर प्रभु को क्रूस के साथ गिरना पड़ा था। क्यों गिरना पड़ा? क्योंकि मैंने मेरे जीवन में अनेकों ऐसा आत्मामारु पाप करता है, जो आत्मा को मारता है, नरक के योग्य पाप करता है। ऐसे पापों ने ईसा मसीह को आज गिराया। कई बार मैं ईश निंदा का पाप करता हूं, मूर्ति पूजा करना, अंधविश्वास अविश्वास में पड़ना, तंद्र मंद्र जादू टोना ताबीज जाड़ फूक, इन चीजों में विश्वास करना, बाबा लोगों के पास जाकर के प्रश्न करना, या ऐसे ऐसे लोग जो बोलता है उसके अनुसार जीना, उन्होंने जो कहा उस प्रकार करना, ईश्वर को जीवन में पहला स्थान नहीं देना, ना प्रार्थना है ना भक्ति है ना चर्च में जाते हैं, चर्च में जाएगा अयोग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना, ऐसे तमाम अवसरों को याद कीजिए जिसके कारण ईसा मसीह को गिरना पड़ा। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को मैंने अपवित्र किया वासना का पाप, व्यभिचार के पाप के द्वारा, आत्मारु पाप, हत्या जैसे पाप, अबोर्शन जैसे पाप, दूसरों को धमकाना, मारना, पीटना। याद कीजिए ऐसे जो भी बड़ा बड़ा पाप जो किया, उन पापों ने मसीह को धक्का दिया, मसीह को गिराया, क्रूस के साथ गिरने के कारण उनको और चोटिल हुआ। मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु आपने फिर से उठ खड़ा हुआ, उसके उस शक्ति के द्वारा, पुण्य फलों के द्वारा मुझे आपसे कोई ऐसा पाप में
विशेषकर आत्मा मारु पाप जो नरक के योग पाप है उसमें गिरने से बचाइए। अपने पापों के लिए पाप स्वीकार कर एक अच्छे जीवन जीने का शक्ति दीजिए। ईश्वर को जीवन में पहला स्थान, प्रार्थना भक्ति का जीवन और अयोग्य रीति से कभी परम साधु को ग्रहण ना करने का निर्णय याद कीजिए। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जब तक जीवित रहूंगा इसे अपवित्र ना करने का निर्णय कीजिए। चौथा स्थान वे ईसा मसीह के क्रूस के रास्ता में माता मरियम के साथ एक मुलाकात। माता मरियम उनके सामने जब आए दोनों के आंख नमी हो गए, बहना शुरू हुआ, दो हृदय एक हो गया, हृदय से एक दूसरे को सांत्वना दे रहा है। वो टिल रहा था लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। मां पुत्र का ये दुख का कारण क्या है? क्योंकि मैं अपने माता पिता को दुख देता हूं, माता पिताओं का कहना नहीं मानना, उनके अधीन नहीं रहना, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करना, उनसे झगड़ा करना, भला बुरा कहना। जब जब ऐसा पाप किया ईसा मसीह को और माता मरियम को यह दुख उठाना पड़ा, अर्थात मैंने ही ये दुख का कारण बनाया। पुरोहित लोग, सिस्टर लोग, टीचर लोग, ऐसे जो भी अधिकारी लोग हैं, हमारे गुरुजन हैं, ये सब इसी स्थान पर आता है। चौथा स्थान पर जो दुख, उनका अपमान करना, निंदा करना, इसके फल स्वरूप भी हो सकता है। याद कीजिए, उसके लिए प्रभु से माफी मांगे। जीवन के अंत तक अपने जन्म देने वाला माता पिता और सास ससुर और घर के बुजुर्ग लोगों का सेवा करने का, कभी ऐसे लोगों का अनादर ना करने का निर्णय करें, चाहे वो किसी भी हालत में कैसे भी क्यों ना हो। पियकड़ होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, लेकिन उनका मान सम्मान करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें हमें माता पिता सास ससुर के रूप में दिया। उनकी सेवा करने में हमें हमारा कल्याण है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक वचनों में माता पिता का आशीर्वाद बच्चों को जरूरी है। इसके विषय में कम से कम एक दर्जन आशीष के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। निर्णय करें। पांचवा स्थान में सिरनी सिमोन प्रभु ईसा मसीह को क्रूस उठाने में मदद दे रहा था। सिरनी सिमोन को बाध्य किया गया सिपाही लोगों ने, क्योंकि सिपाही लोगों ने देखा ईसा मसीह अभी चल करके आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया, कहीं रास्ते में मर जाएगा सोच करके ये सिरनी सिमोन को पकड़ करके बाध्य किया। वो पहले इनकार किया, लेकिन बाद में जब ईसा मसीह के साथ जब क्रूस उठाना शुरू किया उन्हें भी अच्छा लगा, प्रभु ईसा मसीह को भी अच्छा लगा, क्योंकि उनका वो क्रूस का भार हल्का हुआ। प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरा सेवक बनना, मेरे शिष्य बनना चाहते हैं, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो। ये क्या है प्रतिदिन का क्रूस? एक सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए मुझे कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, उस कष्ट को क्रूस करते। दूसरों की सेवा करने के लिए, घर के बुजुर्ग लोगों को, माता पिताओं को, सास ससुरों को सेवा करना, कलीसिया की सेवा करना, दरिद्रों की सेवा करना, उसके लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, उसका नाम है क्रूस। अन्य लोग मेरा बुराई करता है, निंदा करता है, उन लोगों को सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना, उसके लिए भी क्रूस उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार का ये क्रूस उठा करके प्रभु को प्रभु के पीछे होना, ये प्रभु को अच्छा लगता है। निर्णय कीजिए, जब जब हमने ऐसा क्रूस नहीं उठाया, सत्य ईमानदारी पवित्रता का जीवन नहीं जिया, हमने प्रभु का क्रूस को हल्का नहीं किया, दूसरों की सेवा करते हुए चाहे घर में या बाहर या कलीसिया की, जब जब हमने नहीं किया, हमने प्रभु का क्रूस का हल्का नहीं किया। दूसरे लोग मेरे विरुद्ध में है, मेरा शत्रु बना हुआ है, लेकिन उन्हें मैं सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना है,
तो प्रभु के साथ क्रूस उठाता है। निर्णय कीजिए, जब जब नहीं किया उसके लिए प्रभु से माफी मांगे। छठवें स्थान में वेरोनिका प्रभु यीशु मसीह के सामने आते हैं और उनका चेहरा पोंछते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं। वेरोनिका एक धर्मी स्त्री, सिपाही लोगों का डर नहीं, वो आगे बढ़ करके आई। प्रभु को अच्छा लगा उनका हिम्मत देकर, उनका उपहार देकर, इसलिए ईसा मसीह ने उनके रुमाल में अपने चेहरे को जब पहुंचा चेहरे को छपाया। वो वेरोनिका के लिए एक अनमोल खजाना बन गया, उनके रुमाल में ईसा मसीह का चेहरा छपना। आज प्रभु कहते हैं, जब जब तुम हमारे बीच में रहने वाला ये जो नन्हे, जो गरीब, अनाथ, जरूरतमंद, दुखित, पीड़ित लोगों का मदद करता है, प्रभु के लिए करता है। प्रभु कहते हैं, बेटा आज वेरोनिका के समान रुमाल में नहीं, कागज में नहीं, या कैनवास में नहीं, मूर्तियों में नहीं, बल्कि ईसा मसीह को आज हमें गरीबों में देखना है। जब हम गरीबों में मसीह का चेहरा देखकर मसीह की मदद करता है, तो वे गरीब लोग हमारे चेहरे में प्रभु का चेहरा देखता है। अर्थात प्रभु आज कागज में नहीं बल्कि मनुष्य का चेहरा, अपना चेहरा बनाना चाहते हैं। कब कब मैंने दूसरों में प्रभु का चेहरा नहीं देखा, कब कब मैं स्वयं प्रभु का चेहरा नहीं बना, दूसरों को मदद करने के लिए मना किया। जब ऐसा दुखित पीड़ितों का मैं मदद करता हूं, वो मेरे चेहरे पर मसीह को देखता है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या आप ईसाई है, मसीही है? जी हां, हमारे चेहरे पर वे ईसा मसीह का दर्शन किया। प्रभु से माफी मांगे, जब जब मैं ऐसा मसीह का चेहरा बना नहीं, मैं केवल रुमाल में, मैं केवल फोटो में मसीह को देखना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, नहीं, इन नन्हों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 40 में और 44 में लिखा है, जब जब तुमने नहीं किया मेरे लिए नहीं किया। निर्णय करे प्रभु का चेहरा बन करके जीने का, दूसरों में, जरूरतमंदों में मसीह का चेहरा देखने का। सातवां स्थान पर ईसा मसीह के दोबारा गिरने के विषय में मनन चिंतन करते हैं। वेरोनिका का प्यार हो या सिमोन जो मदद कर रहा है क्रूस उठाने में, ये प्रभु ईसा मसीह को दोबारा गिरने से नहीं बचाया। क्या कारण है? अनेकों बार पाप स्वीकार करते हुए मैं निर्णय करता हूं, मैं अब से पाप नहीं करूंगा, लेकिन दिन भर, दिन में अनेकों बार मैं कोई ऐसा पाप कर बैठता हूं। क्या, कौन सा पाप है मैं बार बार करने वाला पाप, जो ईसा मसीह को अभी दोबारा मैंने गिराया? मेरे जीवन में क्या कमजोरी है, वो कमजोरी प्रभु को आज गिराया। हो सकता है बार बार गुस्सा करना, हो सकता है नशा, हो सकता है वासना का पाप, हो सकता है घमंड का पाप। क्या है, चोरी करना हो, झूठ बोलना हो, अश्लील बातें बोलना हो, या गंदी फिल्म देखना हो। क्या है, मैं छोड़ना चाहता हूं नहीं छोड़ पा रहा है, या बार बार गिर रहा है, दिन में कई बार गिर रहा है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, ये पाप ईसा मसीह को आज दोबारा गिराया। प्रभु से माफी मांगे और ऐसा कमजोरी से बाहर आने के लिए निर्णय करे। मेरे जीवन में क्या बलहीनता है, उन बलहीनताओं से बाहर निकलने का निर्णय करे। आठवां स्थान में प्रभु ईसा मसीह जरूसलेम की पुत्रियों को, वहां के जो स्त्रियों को सांत्वना देते हैं। वे लोग अपने सीना चाती पीट पीट करके रो रहे थे, प्रभु का ये हालत देख करके उनसे नहीं रुका पाया। तब मसीह उनकी ओर मुड़ करके कहते हैं, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, तुम अपने लिए और अपने संतानों के लिए रो। जी हां, प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, बेटा बेटी,
मेरे कारण तुम मत रो, मेरे लिए क्या कष्ट पीड़ा सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, मैंने जो क्रूस के साथ गिरा, ये सब देख करके तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। प्रभु कहते हैं आज रो तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए। मेरे परिवार की क्या स्थिति है? क्या मेरे घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होता है? मेरा घर का क्या स्थिति है? आज मेरा घर एक लड़ाई झगड़ा का स्थान, बाजार जैसे गालियां चल रहा होगा, जहां प्रार्थना नहीं है, जहां नशा है, लड़ाई झगड़ा है, ऐसी ऐसी बातों से मेरा घर है। प्रभु कहते हैं तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए, घर के अन्य लोगों के लिए मेरे उदाहरण का जीवन नहीं जिया। बच्चों को स्कूल कॉलेज तो भेजते हैं, पैसा उसके लिए खर्च करता है, डिग्रियों के लिए पैसा खर्च करता है, लेकिन प्रभु का कार्य के लिए या एक बाइबल खरीद कर देने के लिए हम पैसा खर्च नहीं करते। अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहा है, पर प्रार्थना नहीं सिखा रहा है, चर्च नहीं लेकर के जा रहा है, घर में बिठा करके पारिवारिक प्रार्थना नहीं हो रहा है। प्रभु से माफी मांगो। प्रभु आज कहते हैं अपने लिए और अपने संतानों के लिए रो, अपने घर के लिए रो, घर की स्थिति के लिए रो, उपवास करो, प्रायश्चित करो, सुधरने का निर्णय करो। नौवां स्थान में ईसा मसीह तीसरी बार गिरते हैं। क्यों मसीह को तीसरी बार गिरना पड़ा? ईसा मसीह ने, ईश्वर ने अपने कलीसिया के लिए, कलीसिया के भेड़ों को चलाने के लिए उपयुक्त चरवाहों को चुन करके लगाया, लेकिन आज अनेकों चरवाहा भटके आए। आज अनेकों चरवाहा अपने भेड़ों को खाने वाला भेड़िया के समान बन गया। भेड़ों के लिए, कलीसिया के लिए उदाहरण का जीवन नहीं जी रहा है। कलीसिया का अन्य लोगों का पाप का कारण बन रहा है। अधिकारी लोग ईश्वर से मिले हुए अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। याद कीजिए ऐसे लोगों को, कहीं हम स्वयं ऐसे चरवाहों का पाप का कारण तो नहीं बना? उन्हें नशा पिलाना, अन्य पापों में गिराना, या ऐसा जीवन जीने वाले ऐसे लोगों के लिए आज प्रभु से क्षमा मांगे। हमें भी प्रभु ने चुना है कलीसिया का सेवा के लिए, कलीसिया को सिखाने के लिए, लेकिन हम भी उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहा है। प्रभु ने कई वरदान हमें दिया है कलीसिया का सेवा के लिए। गाना गा सकता है, वजन दे सकता है, दूसरों को सिखा सकता है, अच्छा प्रार्थना कर सकता है, मध्यस्थ प्रार्थना कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर रहा है। ऐसे चुने हुए लोगों को याद कीजिए, कलीसिया के सेवा के लिए चुने हुए लोग। वे भ्रष्ट हो गया और प्रभु ने हमें कई ऐसा नेता लोगों को दिया, अधिकारियों को दिया, आज वे भी भ्रष्ट हो गया। राजनेताएं भ्रष्ट होकर के पड़ा है। ऐसे नेताओं के लिए भी प्रार्थना करें। इस कारण मसीह को आज तीसरी बार गिरना पड़ा, क्योंकि चुने हुए लोगों का गिरना, अधिकारियों का गिरना, नेता लोगों का, शासकों का गिरना, भ्रष्ट हो जाना, प्रभु को गिराया। प्रभु से माफी मांगी। जो वरदान, जो चुनाव प्रभु ने हमें दिया है, उसके अनुसार जीने का निर्णय करें। दसवां स्थान में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, वहां पर कलवारी पहुंच करके प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को उतारना, उनके चोटों में चिपके हुए वो कपड़ा, खून पसीना भरा हुआ कपड़ा शरीर से खींच करके निकालना बहुत दर्द दिया। उससे बढ़ करके किसी भी व्यक्ति का वस्त्र हरण करना, नंगा करना, सबसे शर्मदायक बात है। ईसा मसीह के मां बहने अन्य लोगों के सामने मसीह के वस्त्र को उतारना, उन्हें नंगा करना, उनको कितना सहन करना पड़ा, लज्जा का अनुभव करना पड़ा।
क्या कारण है प्रभु को इस प्रकार का लज्जा का अनुभव करना उठाना पड़ा? क्योंकि बार बार मैं दूसरों की नग्नता को देखता हूं, दूसरों को नंगा किया, गंदी फिल्म देखी, गंदी फोटो देखी, गंदी किताबें पढ़ी, मेरे मन में बार बार बुरे विचार आना, ईसा मसीह ने सिखाया। मत्ती के सुसमाचार 5:28 में प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं यदि बुरी इच्छा से किसी स्त्री के ऊपर नजर डालेगा तो अपने मन में व्यभिचार किया। मन में बुरे विचार रखना, उस बुरी इच्छा से किसी को देखना, दूसरों के नग्नता देखना, जो चित्र, जो फिल्म, जो चीज हमें देखना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, ऐसे पाप मसीह को आज लज्जा का अनुभव कर रहा है। विवाह के बाहर कोई ऐसा गलत संबंध प्रभु नहीं चाहते हैं। ऐसे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगी, अपनी आंखों से देखकर, इंद्रियों के द्वारा शरीर को स्पर्श कर, नाक से सुगंध लेते हुए, जीभ से जो कुछ गलतियां पाप किया उसके लिए प्रभु से माफी मांगी। 11वें स्थान में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, प्रभु का शरीर को नंगा ही क्रूस पर पटक रहा है, हाथ पैरों को खींच करके बांध कर रखा है, इसके बाद कीले टोका। ओ अकथनीय पीड़ा को याद कीजिए, दोनों हाथों में पैरों में कीले टोका, एक छोटा सा कांटा हमें कितना दुख देता है, कष्ट देता है। आज इस मसीह को ये दुख क्यों सहन करना पड़ा? क्योंकि मैंने मेरे दोनों हाथों से कितनी बार पाप किया, अपवित्रता का पाप, अपने शरीर को या दूसरों को स्पर्श कर पाप, घूस देना, घूस लेना ऐसा पाप, या दूसरों को मारना पीटना, इन दोनों हाथों से क्या क्या पाप नहीं किया, उसके प्रायश्चित के रूप में प्रभु के हाथों को छेदा गया, प्रभु के दोनों पैरों को। क्यों पाप के लिए मैं यहां वहां चलता रहा, दूसरों को दंड देने के लिए, मारना पिटने के लिए इन पैरों को भी मैंने इस्तेमाल किया। प्रभु के मंदिर प्रार्थना के लिए आना चाहिए था, मैंने चल करके नहीं आया। दूसरों की सेवा शुश्रूषा के लिए मुझे चलकर जाना चाहिए, मैंने नहीं गया। ऐसे तमाम पापों के कारण प्रभु के हाथ पैरों को कीलों से टोकना, उनके सर पर कांटों का मुकुट पहना हुआ है, क्योंकि मैंने दूसरों का अपमान किया, निंदा किया, मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा, सब कुछ प्रभु को सहन करना पड़ा, प्रभु से माफी मांगी। 12वें स्थान पर प्रभु ईसा मसीह अपना प्राण अर्पित करता हुआ 3 घंटों तक 3 कीलों के सहारे आकाश व पृथ्वी के बीचों बीच में लड़कते हुए अपना सांस खींचते खींचते कितना तकलीफ उठाते हुए प्रभु को मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करना पड़ा। प्रभु ने जो कुछ सहन किया हमारे पापों का प्रायश्चित था, अपने रक्त के द्वारा हमें वह शुद्ध किया, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। उस क्रूस पर से सबसे बड़ा प्यार, लव लेटर प्रभु ने मानव जाति को दिया। उस क्रूस पर लड़कते हुए अपना प्राण अर्पित करते हुए प्रभु एक ही संदेश दिया, आई लव यू बेटा। सारे मानव जाति से प्रभु आई लव यू कहते हैं। क्या हम भी प्रभु को प्यार करते हैं? प्रभु का वचन योहन का पहला पत्र दिया है 4:20 में लिखा है, यदि कोई ये कहता है मैं प्रभु को प्यार करता हूं लेकिन अपने भाई से प्यार नहीं करता, वो झूठा है। इसलिए ईसा मसीह का योहन का सुसमाचार 13:34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे देता हूं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, सहन करते हुए, अपने शरीर में सहन करते हुए, दूसरों को क्षमा देते हुए मैंने प्यार किया, उसी प्रकार दूसरों के लिए तुम भी प्यार करो। जैसे मैंने अपना प्राण अर्पित कर मैंने तुम्हें प्यार दिया, यदि दूसरों के लिए मरना भी पड़े इस प्रकार प्यार करो, दूसरों को सहन करो, क्षमा कर दो, उनकी गलतियों को माफ कर दो, इस प्रकार उन्हें प्यार दो,
जब जब हमने प्यार नहीं किया, प्रभु के इस आदेश का पालन नहीं किया, दूसरों को सहन नहीं किया, अभी भी मनमुटाव रखा है, अभी भी किसी से बातचीत नहीं है, क्रूस पर मरने वाला मसीह का तिरस्कार हम कर रहा है इस प्रकार। जब हम सहन करेंगे, क्रूसित प्रभु का उस स्वभाव वो आज्ञा का पालन करता है, दूसरों से मेल मिलाप करेंगे, बातचीत करेंगे, प्रभु का वो प्यार को हम बांटता है। प्रभु से माफी मांगी ऐसे अवसरों के लिए जब जब हमने दूसरों को प्यार नहीं किया, सहन नहीं किया, क्षमा नहीं किया। 13वां स्थान में ईसा मसीह के शरीर को नीचे उतारते हैं, मां मरियम के गोदी में रखना कितना दुखदायक बात है। पाप करते हुए मैं भी पाप में मरता हूं। माता मरियम से प्रार्थना करें, मां मैं जैसे आप बालक यीशु को पालन किया उसी प्रकार मेरा भी देखभाल कीजिए। अब मैं आपसे पाप ना करूं, पाप से दूर भागो। प्रवक्ता ग्रंथ 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा है, सांब के सामने की तरह पाप से दूर भागो, यदि पास आओगे तो काटेगा, उसका दांत पाप का दांत सिंह के दांत के समान है, वो हमारी आत्मा को नष्ट करता है। निर्णय कीजिए। माता मरियम को दुख देने वाले अनेको लोग, जितने भी लोग माता मरियम के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी माफी मांगे। ये सब मां को वहां पर दुख पहुंचाया। 14वां स्थान में प्रभु ईसा मसीह के शरीर को दफनाता हुआ, प्रभु ईसा मसीह को दफनाया, लेकिन वह मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ। संत पौलुस लिखते हैं, यदि हम अपने पापों अपराधों को प्रभु ईसा मसीह के साथ क्रूस पर अर्पित करेंगे, पापों का प्रायश्चित करने वाला मसीह से संयुक्त होकर हम अपने को अर्पित करेंगे, बपतिस्मा के द्वारा मसीह के उस मृत्यु का बपतिस्मा हम प्राप्त करते हैं और मसीह के साथ हम अपने को दफनाते हैं, अपने पापों अपराधों को प्रभु उस कब्र में लेकर के जाता है, अधोलोक में लेकर के गया, दफना दिया। एफेसियों का पत्र दिया है 2:6 में लिखा हुआ है, संत पौलुस लिखते हुए कहते हैं, प्रभु ने हमें ईसा मसीह के साथ पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बिठाया। जी हां, पाप के लिए मरने वाला हम, पाप को त्यागने वाला हम, आज पवित्रता में प्रभु के साथ स्वर्ग का अनुभव में जीने वाला है। इसलिए निर्णय कीजिए, अपने मन वचन कर्म के द्वारा जो भी गलती किया, ईश्वर के दस आज्ञा के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध जो भी गलती किया, कलीसिया के 6 नियम के अनुसार और 7 मूल पाप जो हमारे जीवन में हो, उसके लिए कच्चा पाप स्वीकार कर प्रभु के उस क्रूस पर अपने पापों अपराधों को फेंकने का और मसीह के साथ मरकर मसीह के साथ पुनर्जीवित होने और स्वर्ग का जीवन जीने का निर्णय करें। इस संसार में ही हमें स्वर्ग का वो अनुभव, वो शांति, वो प्रेम का अनुभव करना है। निर्णय कीजिए। आई हम संत पापा और कैथोलिक कलीसिया के जो भी जरूरत है, विशेषकर आज के जो जरूरत जो है, जो इंटेंशन है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। संत पापा का अच्छा स्वास्थ्य के लिए और कलीसिया एकजुट होकर के उनके अधीन स्वर्ग राज्य की ये यात्रा कर सके और पूर्ण दंडमोचन प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना अर्पित करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन के आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पुण्य शुक्रवार में एक क्रूस रास्ता ऐसा करना बहुत ही जरूरी है, अपने पापों अपराधों को याद करते हुए आज चर्च जाकर के
उन हर एक स्थान पर अपने पापों, अपराधों को, कमजोरियों को स्वीकार कीजिए और पाप मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु इस समस्या हमारे लिए क्रूस पर मरकर हमें मुक्ति दिया, विश्वास कीजिए, मसीह में विश्वास करते हुए हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। आप सबों को जय यीशु।